What's up my friends, क्या हालचाल? I am Rajesh Sharma and in this video we are going to cover an important topic जो कि है block account. इस video के end तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से block account service आपके लिए best है. Video को अच्छे से last तक जरूर देखना. तो जब भी जर्मनी जाके पढ़ाई करनी होती है या फिर किसी को वहाँ पर जॉब सीकर वीजा पे जाना होता है या स्टूडेंट कोलिक के लिए जाना होता है या फिर कुछ और भी पर्पस होते हैं जिसमें अगर आपको जर्मनी जाना है तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसका पर्पस ये होता है कि जितने भी टाइम आप वहाँ पर रहेंगे उसमें जो आपका पीरियड होगा स्पेशली फर्स्ट ईयर का या से कम का, उसको आप इजीली फंड कर सकें और उस पीरियड के लिए आपके पास पहले से ही फंड एग्जिस्टिंग हो, जिससे कि आप एटलीस्ट उस ड्यूरेशन के अंदर किसी प्रॉब्लम में ना आए, अपने मंथली एक्सपेंसेस वगैरह चला सकें एंड आपके पास पैसे की कमी ना पड़े, आप वहां जाके वहां की गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन ना बन जाए. इसलिए जर्मन गवर्नमेंट एक ही सेफ्टी मेजर लेती है बोथ स्टूडेंट्स के लिए और वहां की जर्मन सोसाइटी के लिए, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जो अभी जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट चल रहा है, जो आपको अपने ब्लॉक अकाउंट में डालना पड़ता है, वो चल रहा है 10,332. ये अभी का अमाउंट है और जल्दी ही ये अमाउंट दोबारा बढ़ने वाला है. रिसेंटली ये अमाउंट बढ़ा था बट अभी अमाउंट दोबारा बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में कोविड के बाद में महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से ये एडजस्ट होता रहता है. बेसिकली जर्मनी के अंदर एक मिनिमम पे आउट होती है जो कि गवर्नमेंट एक सोशल बेनिफिट देती है कुछ लोगों को, तो उसका जो अमाउंट होता है ये उससे मैचिंग अमाउंट होता है. तो जैसे जैसे वो बेनिफिट का अमाउंट जर्मनी की गवर्नमेंट बढ़ाती है तो ये वाला अमाउंट जो ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट है ये भी बढ़ जाता है उसके साथ में यूजुअली. तो अगर आप 2022 के अंदर ब्लॉक अकाउंट बनवा रहे हैं तो ज्यादातर चांस है कि आपका 10,332 में काम चल जाएगा. बट अगर आप थोड़ा सा बाद में बनवाएंगे, जैसे कि आप 23 में जाके बनवा रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है ये अमाउंट 11,170 समथिंग के करीब हो जाए आगे आने वाले टाइम में. एंड इसी की तरह उसके आगे आने वाले टाइम में जैसे 2024-25 में ये थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहेगा एज विद इन्फ्लेशन एंड टाइम. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉक अकाउंट के कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास. पहले तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे कि बस एक डॉच बैंक होता था कि उससे ही ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता था और उसका प्रोसेस बहुत टीडियस होता था. साथ में इंडिया का एक बैंक है कोटक महिंद्रा, जो कि जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी लिस्टेड है कि वो एक्नॉलेज करते हैं उस बैंक के ब्लॉक अकाउंट को भी इजीली. बट अगेन बिकॉज वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक है तो उसका भी प्रोसेस बहुत स्लो होता है डॉच बैंक की तरह. बट कुछ टाइम पहले कुछ फिनटेक कंपनीज मार्केट में आई हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को, ब्लॉक अकाउंट के प्रोसेस को पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया और उन्होंने सारी चीज बहुत ज्यादा डिजिटलाइज करके बहुत ईजी और सिंप्लीफाई कर दिए. तो बेसिकली तीन कंपनीज हैं, एक्सपैट्रियो, फिनटिबा एंड कोरेकल. एंड ये तीनों कंपनीज जर्मन एम्बेसी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड भी हैं एंड काफी पॉपुलर हैं आजकल स्टूडेंट्स के बीच में ब्लॉक अकाउंट बनवाने के प्रोसेस के लिए. एंड बहुत सारे स्टूडेंट आजकल इन कंपनीज को ऑप्ट करते हैं रेदर देन डॉयचे बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बिकॉज इसके अंदर जो आपको ब्लॉक अकाउंट का जो लेटर मिलता है एप्लीकेशन कन्फर्मेशन का, वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है. आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, बहुत जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है. उसके बाद अपना आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो वो 2 से 3 या 4 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका फंड आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसके विद इन कुछ टाइम के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 24 आवर्स या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर ये कंपनीज आपको एक 06 फॉर्म भी दे देती हैं जो आपको अपने वीजा के प्रोसेस के लिए एम्बेसी में सबमिट करना होता है. तो ये सारा प्रोसेस जो डॉयचे बैंक के टाइम पे आप कह सकते हैं कि 15 दिन 20 दिन इतना ज्यादा टाइम ले सकता था, वो इन कंपनीज ने कट शॉर्ट करके बस 4-5-6 एट मैक्सिमम 10 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर ले आए हैं. तो इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है और ये सारा प्रोसेस बहुत ईजी और बहुत फास्ट हो जाता है. आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे बहुत इजीली ये काम कर लेते हैं. प्लस और भी एक अच्छा बेनिफिट जो आपको मिलता है, ये कंपनीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से आपको मनी ट्रांसफर करना है. एक तो इनका रेट यूजुअली बैंक के रेट से थोड़ा बेटर होता है, दूसरा ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि डायरेक्ट आप यूरोज में अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करते हैं. उससे क्या होता है, कई बार जो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह होती है वो थोड़ी सी कम पड़ती है और वो ओवरऑल सस्ता भी पड़ता है. और इतना ही नहीं, इवन ये कंपनीज अलाउ करती हैं कि आप अपना टोटल अमाउंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन में, जैसे कि 2 या 3 ट्रांजेक्शन के अंदर अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर सबमिट कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है कि आपका एक जो TCS टैक्स होता है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा रखा है कि अगर आप 7 लाख से ज्यादा का अमाउंट इंडिया के बाहर ट्रांसफर करते हैं एक सिंगल पैन अकाउंट से विद इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट है उस पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है, जो कि किसी किसी केस में 10% का भी हो सकता है. एंड अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में वो टैक्स अमाउंट कम होता है, शायद 0.5% के करीब. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप स्टूडेंट लोन नहीं ले रहे हैं तो उस केस में ये जो 5% की सेविंग होती है काफी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज इससे बेसिकली स्टूडेंट का काफी ज्यादा अमाउंट, जैसे कि 10,000-20,000 के करीब काफी अमाउंट बच सकता है. मेरा गला थोड़ा ज्यादा खराब है, चिल मैं मैनेज करूंगा कि अपने बेस्ट क्लैरिटी के साथ में जितना बेटर बोल पाऊं उतना ज्यादा बोलूं. तो अब जल्दी से चलते हैं हम एक एक्सेल के ऊपर जो कि मैंने प्रिपेयर करी है, जिसके अंदर मैंने सारे के सारी इन सर्विसेज को एक कॉलम में रखा है और मल्टीपल पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस पॉइंट पे कौन सी सर्विस बेटर है, जिससे कि आप अपने हिसाब से इनमें से अपने लिए बेस्ट सर्विस पिक कर सकें. अच्छा, एक्सेल पे जाने से
पहले मैं आपको एक रीजन भी बता दूं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। और उसका रीजन ये है कि अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करेंगे कि कौन सा ब्लॉक अकाउंट बेटर है, तो कुछ बहुत पुरानी और आउटडेटेड वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसमें जो डेटा और कंपैरिजन उन्होंने कर रखा है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, डेटा के बेसिस पे एनालिसिस कर रखा है, जो मेरे हिसाब से आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुका है। और इसलिए एक लेटेस्ट कंपैरिजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू नो द लेटेस्ट रियलिटी की कौन सी सर्विस इसमें से कितनी अच्छी चल रही है आज के टाइम में, एज ऑफ नाउ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट दैट वी शुड फोकस ऑन इज लाइक व्हेन दीज कंपनीज एक्चुअली स्टार्टेड। तो एक्सपेट्रियो इज लाइक 2017, फिनटिपा इज फ्रॉम 2017 एज वेल, एंड कोरेकल इज फ्रॉम 2018, वेयर एज डॉइच बैंक एंड कोटक महिंद्रा आर लाइक वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेरी ओल्ड बैंक। एक्सपेट्रियो, फिनटिपा एंड कोरेकल, ऑल दीज थ्री कंपनीज आर बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी इटसेल्फ। एक्सपेट्रियो हैव देयर ऑफिस इन बर्लिन, फिनटिपा इन फ्रैंकफर्ट, कोरेकल हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन हैमबर्ग। इसके अलावा अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली ये डिपिक्ट करता है कि इनके कितने एम्प्लॉयज़ हैं एंड इनके कितने फॉलोअर्स हैं ऑन लिंक्डइन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी गूगल की जो रेटिंग्स होती हैं वो थोड़ी फैब्रिकेट करी जा सकती हैं आज के टाइम में। इजीली फेक रिव्यूज़ और फेक रेटिंग्स गूगल पे बहुत कॉमन हो गई हैं। तो लिंक्डइन वेयर एज ये इजीली शो करता है कि किस कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो जिस कंपनी के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं डेफिनेटली वो शो करता है कि हाँ भाई उनका ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है। नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स भी डिपिक्ट करता है कि भाई वो कितने पॉपुलर चल रहे हैं रिलेटिवली मार्केट में। तो एक्सपेट्रियो जो है 29 एम्प्लॉयज हैं, 1.6 के फॉलोअर्स हैं ऑन लिंक्डइन। फिनटिपा हैव 37 एम्प्लॉयज बट दे हैव लाइक 1K फॉलोअर्स, एंड कोरेकल हैज 18 एम्प्लॉयज एंड 234 फॉलोअर्स, वेयर एज डॉइच बैंक एंड कोटक महिंद्रा दे आर वेरी ह्यूज। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। तो एवरी सर्विस हेयर इज सिक्योर एंड रिलायबल बिकॉज ये सारी सर्विसेज ऑलरेडी जर्मनी के एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी लिस्टेड थी। इसका मतलब ये है कि जर्मनी एम्बेसी इन सारी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करती है। ऑन द ग्राउंड देखा जाए तो ये सारी कंपनीज काफी ज्यादा रिलायबल हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग दीज सर्विसेज। एंड आज तक मैंने कोई सिचुएशन ऐसी सुनी नहीं किसी स्टूडेंट की जिसको प्रॉब्लम आई हो इन सर्विसेज के साथ में। सो सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी के पॉइंट में एवरीवन इज गुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस बाय जर्मन एम्बेसी एंड लोकल फॉरेन ऑफिस इन जर्मनी। सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर वेल एक्सेप्टेड बाय द जर्मन एम्बेसी एंड लोकल फॉरेन ऑफिस। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ब्लॉक अकाउंट पार्टनर्स, वेयर द ब्लॉक अकाउंट मनी इज स्टोर्ड। सो द ब्लॉक अकाउंट पार्टनर ऑफ एक्सपैट्रियो इज द मैंगो पे, विच इज बेस्ड आउट ऑफ लक्जमबर्ग, विच इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी। देन फॉर फिनटिपा द पार्टनर इज द सुतोर बैंक। So it is actually a bank which is based out of Germany itself, but it is not like a very big bank like Deutsche Bank. It only have some niche operations. आप Google and LinkedIn के ऊपर देख सकते हैं, तो इनका जो operation है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा जो इनकी ratings हैं Google के ऊपर वो थोड़ी सी मतलब कुछ खास नहीं है। Then for the Coracle, the partner is LemonPay, which is based out of France. So again, the block account is not your current bank account. So money from block account will need to be transferred to your current account first, and then only it can be used. So उसके लिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका ब्लॉक अकाउंट जर्मनी के अंदर हो ही हो, बिकॉज आपको डायरेक्ट उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। कि यूजुअली क्या होता है कि आपका जो करंट बैंक अकाउंट है वो जर्मनी के अंदर होना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपका जो आई बैन नंबर होता है वो जर्मनी का होता है। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि अगर आप अकोमोडेशन ले रहे हैं, अपने हॉस्टल ले रहे हैं और आप पब्लिक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ले रहे हैं, तो उसमें यूजुअली एक स्टूवर्क करके ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको जर्मनी का आई बैन नंबर ही चाहिए होता है। मतलब उसको आपको जर्मनी का ही करंट बैंक अकाउंट शो करना होता है। तो इसलिए आपको जो करंट बैंक अकाउंट बनाना है जिसके अंदर आपके पैसे ब्लॉक अकाउंट से आएंगे वो जर्मनी का होना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन आपका जो ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट है वो आपका दूसरी किसी और कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में भी हो सकता है, तो उससे कोई इतना इशू नहीं आता। देन व्हेन इट कम्स टू डॉयचे बैंक, तो इट इज अ वेरी पॉपुलर एंड बिग बैंक एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी इटसेल्फ। तो आपका पैसा जो होता है वो डायरेक्ट जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट में होता है। अगेन आप इस अकाउंट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, जो पैसा होता है आपके पहले करंट बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर वहां से आप उसको डेली यूज के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो आपकी ब्लॉक्ड अकाउंट मनी होती है वो INR में इंडिया में स्टोर्ड होती है, एंड जब वो पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस पॉइंट पे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर टाइम के साथ में INR और यूरो के एक्सचेंज रेट में कुछ डिफरेंस आ गया तो उसकी वजह से आपका जो फाइनल अमाउंट है जो आपके पास एक्चुअली आएगा उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, इसलिए कुछ स्टूडेंट इसको अवॉइड करते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अबाउट द मनी ट्रांसफर ऑप्शन। तो
एक्सपैट्रियो के अंदर इनका जो एक मनी ट्रांसफर ऑप्शन होता है दैट इज कोहोर्ट गो, जो इनका अपना इंटरनल मनी ट्रांसफर ऑप्शन है जिसमें ये अलाउ करते हैं इंस्टेंटली आपको INR से पैसे ट्रांसफर करना। तो इसके अलावा ये आपको ऑप्शन देते हैं आप डायरेक्ट अपने ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट के अंदर यूरो में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट होता है ना वो बेसिकली जस्ट एक जर्मन बैंक अकाउंट की तरह होता है या फिर यूरोपियन बैंक अकाउंट की तरह होता है। उसका एक अपना अकाउंट नंबर होता है जो कि एक IBAN नंबर होता है, उसका अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। तो आप उसको यूज करके उस बेसिकली IBAN नंबर और उस कोड को यूज करके आप कहीं से भी उस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं और वो बैंक अकाउंट जो है बेसिकली ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट है वो आपके ही नाम पे होता है, वो इन कंपनीज के नाम पे नहीं होता, वो आपका अपना अकाउंट है। हाँ बस वो ब्लॉक्ड होता है, उससे आप डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकते, उससे पैसा आपके करंट अकाउंट में उस टाइम इंटरवल पे आएगा जो कि इन कंपनीज से सेट कर रखा होता है जो कि यूजली एंड ऑफ द मंथ या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होता है। तो उस यूरोपियन बैंक अकाउंट के अंदर आप डायरेक्टली यूरो में पैसे भी अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू फिनटिबा, तो जो इनका अपना ट्रांसफर करने का ऑप्शन है दैट इज ट्रांसफरमेट, और साथ में इसमें भी आप यूरो के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड कोरेकल के अंदर भी आप लोकल करेंसी एंड यूरो के अंदर भी पैसे ट्रांसफर करते हैं, बट ये यूजुअली यूरो के अंदर ट्रांसफर करवाना प्रेफर करते हैं फॉर सम रीजन। देन व्हेन इट कम्स टू डॉयचे बैंक एंड कोटक महिंद्रा, इसके अंदर आप जब इंडिया से पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनका ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा जो कि हायर होता है रिलेटिवली जो मनी ट्रांसफरिंग सर्विस है आपको, जैसे कि एक्सपैट्रियो के केस में कोहोर्ट गो, फिनटिबा के केस में ट्रांसफरमेट, जो इनकी अपनी ट्रांसफर सर्विसेज हैं इनका जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है थोड़ा सा बेटर होता है, जो ट्रांजेक्शन रेट होता है ये बेटर होता है बैंक के ट्रांजेक्शन रेट से। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हमारा सेटअप प्रोसेस का टाइमलाइन, तो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं ब्लॉक्ड अकाउंट कंपनीज इनका जो सेटअप टाइम है ये बस 2 से 7 दिन है, ये काफी फास्ट होती है अपने प्रोसेस के अंदर। वेयर इज डॉयच बैंक एंड कोटक महिंद्रा जो होते हैं बिकॉज ये ट्रेडिशनल बैंक है, पेपर बेस्ड है, आपको ब्रांच पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता, तो ये 10 से 20 दिन ले सकते हैं, जबकि इन केसेस में आपको ऑनलाइन सब कुछ घर बैठे आपका इजिली हो जाएगा और काफी जल्दी भी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द करंट अकाउंट ऑप्शन। तो करंट अकाउंट ऑप्शन जो एक्सपैट्रियो शो करता है अपनी साइट पे वो काफी सारे ऑप्शंस देता है, जैसे कि कॉमर्स बैंक, कॉम डायरेक्ट, विविड मनी एक्सेट्रा। सिमिलरली फिनटिबा के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं और ये सारे ऑप्शन आप इनकी साइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक इनके प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलमोस्ट ये सारे जर्मन बैंक्स एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन बैंक्स ये एक्सेप्ट करते हैं, बट करंट अकाउंट के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हमेशा बस और बस जर्मन बैंक अकाउंट ही खोलें। काफी जगह और सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपका नॉन जर्मन बैंक अकाउंट एक्सेप्टेड नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था हॉस्टल की रेंट पेमेंट वाला, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें जब आप अपना करंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक्सपैट्रियो ऑफर्स पब्लिक इंश्योरेंस विद TK, फिनटिबा DAK के साथ में ऑफर करता है, वेरस कोरेकल जो होता है 3 ऑप्शन देता है, तो DK, बामर एंड AOK। वेरस जो ये डॉयचे बैंक एंड कोटक महिंद्रा है ये कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में कोई किसी तरीके का टाइप प्रोवाइड नहीं करती, तो आपको ये सेपरेटली लेना पड़ेगा इनके साथ में। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं सारी की सारी अच्छी होती हैं, आप इसमें से कुछ भी पिक कर सकते हैं एंड बेसिकली इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बेसिस में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए बिकॉज दीज ऑल आर गुड एंड दीज ऑल आर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। बट हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक चीज का ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपको डेंटल या विजन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपके दांत ज्यादा वीक है या फिर आपकी आईसाइट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो बेसिकली जो बेस प्लान होता है इवन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उसके कुछ एक एडवांस होते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस वाले कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। तो अपना स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में आप उन एडवांस को अलग से भी ऐड करवा सकते हैं ऐसे सिचुएशंस के अंदर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो काफी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब लोगों को प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना पड़ता है। अगर आप एक स्टूडेंट है जिसकी एज 30 से ज्यादा है या फिर अगर आप स्टूडेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं या फिर आप अपने लैंग्वेज कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, तो उन सारे केसेस में आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा। इवन जॉब सीकर वीजा के ऊपर भी आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना पड़ता है। तो इस कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से एक्सपैट्रियो थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रेफरेबल रहता है, दैट इज बिकॉज जो एक्सपैट्रियो का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो डॉक्टर वॉल्टर है एंड लिंक्डइन के ऊपर अगर आप देखोगे तो इनके 24 एम्प्लॉयज हैं एंड 192 फॉलोअर्स हैं। वेयर इज जो फिनटिबा का प्रोवाइडर है दैट इज माविस्ता, एंड माविस्ता के बस 7 एम्प्लॉयज दिखे मेरे को लिंक्डइन के ऊपर, तो डेफिनेटली मेरे को जो 24 एम्प्लॉयज वाली कंपनी थी डॉक्टर वॉल्टर वो थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी। वेरेस जो कोरेकल का एक जो ब्रांड है जिसके थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, उसका नाम है कैनेविंग्स, बट इसका मेरे को कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखा लिंक्डइन के ऊपर, तो मे बी ये हो सकता है इनकी अपनी इंटरनल सेटअप करी हुई एक कंपनी हो। अगेन दैट इज वाई मेरे को जो डॉक्टर वॉल्टर है वो थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी इन सारे ऑप्शन में रिलेटिवली। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप यहां पर चाहें आके इन लिंक्स
को ओपन करके अपने डिटेल्स में इन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। बट मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ प्राइवेट इंश्योरेंस के बारे में जो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से यह है कि आपको जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान लेना होता है वो बेस्ट कवरेज वाला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर आपका जो बेसिक प्रिवेंटिव चेकअप्स एंड टेस्ट कवरेज होते हैं ना वो भी नहीं होते। तो उसका मतलब क्या है, वो ये है कि जैसे कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेनी है, या लेट से आपका फ्लू या कोविड का सिम्टम है, आपको कोविड टेस्ट करवाना है, तो जो आपका बेसिक प्लान होगा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का वो सस्ता तो सबसे ज्यादा होगा बट उसमें कुछ ज्यादा अच्छी कवरेज नहीं होती। दैट इज वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे सस्ता प्लान ना पिक करें, मीडियम या थोड़ी हाई कैटेगरी वाला पिक करें जिसमें आपको थोड़े ज्यादा बेटर फीचर्स मिल रहे हो और एटलीस्ट आपकी कवरेज थोड़ी अच्छी मिल रही हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी कवरेज वाला प्राइवेट इंश्योरेंस पिक करने के बाद भी आपका पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस तो फिर भी आपको सस्ता पड़ रहा होता है। तो बहुत ज्यादा पैसे बचाने के लिए सबसे सस्ता वाला प्लान ना पिक करें, बिकॉज उससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस यूज करने की सिचुएशन आ गई। उसका मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था और कोविड के टाइम में उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हो गए कि उसका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो गया था एंड उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ गया। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको देखते ही बोला कि भाई आपको तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाना चाहिए, आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है इस समय, तो आप रिस्क मत लो, आप जाके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में चले जाओ। तो उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इज इट कवर्ड? तो कंपनी ने बोला हाँ, ये तो आपका क्रिटिकल केस है, इमरजेंसी केस है, ये तो आपका कवर्ड हो जाएगा। तो वो हॉस्पिटल चला गया, उसने हॉस्पिटल जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा ली। हॉस्पिटल के अंदर उसने 7-8 दिन के करीब का स्टे ले लिया और अपनी सारी ट्रीटमेंट करवा के उसने अपनी जेब से पैसे दे दिए और उसको बाद में उसको क्लेम करवाना होता है। ये प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर काफी जगह होता है कि आपको पहले अपने आप पैसे देने पड़ते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसे देती है, जबकि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको कैश नहीं देना होता, कहीं पर भी आपको पैसे देने ही नहीं होते हैं, आपको एक कार्ड देना होता है और डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही पे करती है, तो उसमें ये सारे झंझट रहते ही नहीं है। उसने क्या करा, अपने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया एंड जब क्लेम सेटल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात करी तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि आपका केस इमरजेंसी केस नहीं था, बिकॉज अगर आपका इमरजेंसी केस होता तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए था, आप डॉक्टर के पास क्यों गए? डॉक्टर के पास तो प्रिवेंटिव लोग या कंसल्टिंग के लिए जाते हैं लोग। मतलब ये अजीब सा रीजन देके कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया और उसका काफी थाउजेंड्स ऑफ यूरोज का बिल आ गया जो कि उसको बिल्कुल भी क्लेम में नहीं मिला। दैट इज बिकॉज उसका जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान था वो सबसे सस्ते वाला था, वेयर एज अगर वो उससे एक ऊपर वाला प्लान ले लेता तो वहीं पर ही उसका वो सारा खर्चा बच जाता। तो महीने का कुछ 10-20-30 यूरो एक्स्ट्रा देने के बाद में उसका वो हजारों यूरो का खर्चा बच सकता था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप बड़े हेल्दी हैं और आपके केस में अगर आपको हॉस्पिटल नहीं भी जाना, तो आई विल स्टिल प्रेफर कि यार थोड़ा अच्छा प्लान ले लो, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको एक मेंटल पीस मिलेगी और आप ज्यादा बेटर अपना फोकस कर पाएंगे अपने काम के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इस समय पढ़ सकते हैं पॉज करके। एंड अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट प्लान रहता है तो वो डॉक्टर वॉल्टर का कंफर्ट प्लस प्लान रहता है, एंड बेसिकली दैट वाज वन ऑफ द रीजन मैंने एक्सपेट्रियो पिक करा था, बिकॉज मेरे को जो ये प्राइवेट इंश्योरेंस पार्टनर है एक्सपेट्रियो को, ये थोड़ा सा बेटर लगा था बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हेल्प एंड सपोर्ट। तो हेल्प एंड सपोर्ट के मामले में एक्सपेट्रियो का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं एंड देन इनका ईमेल में रिप्लाई आ जाता है यूजुअली सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, एंड जो रिस्पॉन्स की स्पीड है वो काफी अच्छी है। पिंटीपा के केस में दे हैव अ चैट बॉट काइंड ऑफ अ फीचर, तो अगर आपको इनसे कुछ कंसल्ट करना होता है तो आपको पहले वो चैट बॉट के थ्रू जाना पड़ता है जिसके अंदर आपको 5-10 मिनट लग जाते हैं, वेस्ट से हो जाते हैं, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। देन उसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है लाइव चैट एंड ईमेल करने का। मेरे केस में मैंने ये लाइव चैट जब ट्राई करा था ये काम नहीं करा था, तो मैं आपको ये ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। एंड कोरेकल के केस में इनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर इनको कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एंड इनकी भी जो रिस्पॉन्स स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं लिंक्स ओपन करके दिखा देता हूँ कि इनके कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लगते हैं। एक्सपेट्रियो के केस में कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है जहाँ पर अपनी क्वेरी डाल के अपना इसको फिलअप कर सकते हैं। फिंटीपा के केस में बेसिकली जब आप कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो ये इस तरीके के पेज पे ले आएगा कि क्वेश्चन एयर है, कस्टमर केयर है, या फिर आपकी कोई इंक्वायरी है, तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जो कि बेसिकली इनका ये चैट बॉट ओपन कर देता है, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मेरे को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ज़्यादा अच्छा लगा एक्सपेट्रियो का, अभी फॉर्म खोलो, फिलअप करो और अपनी क्वेरी खत्म। लेट से कि मेरे को कोई मनी ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेरी है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मनी ट्रांसफर इनका प्रेफर्ड पार्टनर है, तो मैं कैसे पता करूंगा, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, मनी एक्सेस, रिएक्टिवेट, क्लोज अकाउंट, नन ऑफ दीज, आर यू ऑलरेडी यूजिंग आवर सर्विसेज, आई एम नॉट यूजिंग, मतलब लेट से कि आई एम अ न्यू यूजर एंड आई वॉन्ट टू आस्क देम अबाउट इट, वॉट इन्फॉर्मेशन आर यू मोस्टली इंटरेस्टेड इन, वॉट डू आई नीड फॉर माई वीजा, रीजन टू चूज। अब मेरे को इन दोनों में से कुछ नहीं पिक करना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे को मनी ट्रांसफर की क्वेरी पूछनी है, कुछ भी कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे।
चूज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेंस गारंटी अबाउट कंपनी आई मीन सी दिस इज सो स्टूपिड एंड टाइम वेस्टिंग थिंग वॉज दिस हेल्पफुल नो दिस वॉज नॉट हेल्पफुल सी इतनी सारी बातें फालतू की करने के बाद में अब ये मेरे को ऑप्शन दे रहे हैं ईमेल करने का या फिर कॉल करने का या फिर स्टार्ट अ न्यू चैट अच्छा इनके जो लाइव चैट का ऑप्शन था वो इस समय नहीं आ रहा मे बी ये वर्किंग आवर्स नहीं हो उनके वैसे यहाँ पर इंडिया में इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं सो लेट्स क्लिक ऑन सेंड एन ईमेल व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस तो इसके बाद ये ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं आई गेस उसके बाद ये कोई फॉर्म वगैरह भेजेंगे जिससे आप फिलअप कर सकते हैं तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये भाई इनका जो AI बेस्ड चैट बॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है टेक्निकली टाइम बचाना चाहिए हेल्प करना चाहिए बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है सिचुएशन को ज़्यादा बट दैट्स नॉट अ बिग डील अगर आपका रिस्पॉन्स टाइमली आ रहा है देन दैट शुड नॉट बी अ बिग इशू उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ब्लॉक अकाउंट फी तो ब्लॉक अकाउंट फी के मामले में जो एक्सपेट्रियो एंड कोरेकल हैं ये दोनों रिलेटिवली ज़्यादा सस्ती इन कंपैरिजन टू फिंटिबा फिंटिबा इज लाइक 89 यूरोस वन टाइम देना है उसके बाद आपको 5 यूरो पर मंथ देना है और इसके ऊपर आपका शायद कोई डिस्काउंट नहीं है अगर आप इनका वैल्यू पैकेज कॉम्बो पैकेज भी लेते हैं जो कि इनका ब्लॉक अकाउंट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस का होता है व्हेयरएज अगर आप एक्सपेट्रियो के अंदर इनका जो बेस प्राइस होता है वो होता है 49 यूरोस प्लस 5 यूरो पर मंथ बट अगर आप इनका वैल्यू पैकेज ले लेते हैं दैट इज कि मतलब हेल्थ इंश्योरेंस इन्हीं के थ्रू ले लेते हैं तो बेसिकली आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं से अगर आप इनके थ्रू नहीं लेंगे तो आप बाहर से लेंगे जो कि आपको ज्यादातर चांस है कि थोड़ा महंगा ही पड़ेगा बट अगर आप एक वैल्यू पैकेज ले लेते हैं ये तीनों सर्विसेज अपने कुछ पैकेज प्रोवाइड करती हैं एक्सपेट्रियो के केस में उसको वैल्यू पैकेज बोलते हैं फिंटिबा के केस में शायद उसे प्राइम या ऐसे कुछ बोलते हैं कोरेकल में आई थिंक इट्स कॉल्ड प्राइम तो उनका अपने अपने एक नाम दिए हुए हैं उन्होंने बेसिकली उसमें क्या होता है ब्लॉक अकाउंट प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्बो हो जाता है और इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री मिल जाता है जो कि आपको 2,000 से 3,000 रुपए का तो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो जाता है तो आपकी काफी अच्छी सेविंग हो जाती है प्लस क्या होता है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस इन कंपनी से लेते हैं एक्सपेट्रियो और कोरेकल के केस में आपको फर्दर डिस्काउंट भी दे देते हैं मे बी इनको कुछ कमीशन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता होगा या फिर जो भी रीजन है बेसिकली आपको तो उसका डिस्काउंट मिल जाता है जो कि फिंटिबा के केस में नहीं मिलता है अगर आप जब भी इन कंपनीज की सर्विस लें तो वैल्यू पैकेज ही लेना है मेरे हिसाब से बेटर रहता है तो उसके बाद क्या है कि आपने अपने ब्लॉक अकाउंट की फीस पे 3,500 रुपए के करीब बचा लिए एक्सपेट्रियो एंड आई गेस कोरेकल के केस में एंड आपके जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसमें आपने अराउंड 2,000 रुपीज बचा लिए तो देखा जाए कि आपने इनका वैल्यू पैकेज लेने की वजह से अप्रॉक्स 5,000 रुपीज तो बचा लिए एंड अनदर डेफिनेटली पॉजिटिव अबाउट दीज कंपनीज एक्सपेट्रियो फिंटिबा कोरेकल इज कि ये बहुत क्विकली प्रोसेस करती हैं और ये जो 06 हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म होता है आपको बहुत जल्दी मिल जाता है इन कंपैरिजन टू डॉयचे बैंक एंड कोटक महिंद्रा नाउ विच इज द बेस्ट फॉर यू दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड बिकॉज ऑल दीज ऑप्शंस आर प्रीटी गुड इन माय ओपिनियन एक्सपेट्रियो इज स्लाइटली बेटर अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एंड स्पेशली अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो मेरे को वो प्राइवेट इंश्योरेंस पार्टनर उनका थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा एंड दिस इज माय ओपिनियन एज ऑफ नाउ जो कि टाइम के साथ में चेंज भी हो सकती है अगर मतलब कंपनीज की टाइम के साथ में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी कैसी सर्विसेज रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा बट ओवरऑल आई थिंक यू कैनॉट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ दीज सर्विस प्रोवाइडर्स आई ऑल्सो थिंक कि जो एक्सपेट्रियो फिंटिबा एंड कोरेकल है दे हैव द फास्टर प्रोसेसिंग टाइम इन कंपेरिजन टू डॉयच बैंक एंड कोटक महिंद्रा एंड ऑल्सो दीज कंपनीज जो वैल्यू पैकेज ऑफर करती हैं वो एक बेटर डील होती है इनके जो स्टैंड अलोन ब्लॉक अकाउंट है उससे कंपैरिजन में देखा जाए तो एंड दिस इज द डिस्क्लेमर विच स्टेट्स द ऑब्वियस दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन ब्लॉक अकाउंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट तो जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको शेयर करी है वो मेरी अपनी पर्सनल अजम्पशन एंड मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी आपका ब्लॉक अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर पिक करने में एंड ऑल्सो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने को मिले होंगे जिससे कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एंड ट्रैवल इंश्योरेंस से रिलेटेड एंड अगर आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है तो आपको अवेयरनेस रहेगी कि आपको किस तरीके से सही प्लान सेलेक्ट करना है अपने लिए इन सारी ब्लॉक अकाउंट कंपनीज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए इसी के साथ में अगले कुछ वीडियोस जो होंगे वो सीरीज होने वाली है बेसिकली ब्लॉक अकाउंट से रिलेटेड कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है किस तरीके से आपको मनी ट्रांसफर करनी है और किस तरीके से आप पैसे बचा सकते हैं मनी ट्रांसफर करते टाइम इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू आई विल सी यू लेटर विश बेटर